अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। गुंडागिरी करो ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। एसआरके से टक्कर की वजह से बढ़ाया गया फिल्म का बजट। कौन मार सकता है इस जंग में बाजी? दोनों फिल्मों में है कितनी सिमिलैरिटी। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। आपको बता दें कि आजकल बॉलीवुड में चर्चा है तो बस एक फिल्म की, जो बनने जा रही है बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म। आप अभी भी नहीं पहचान पाए तो हम आपको बताते हैं। दरअसल हम अभी बात कर रहे हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां पार्ट 2 की। जी हाँ, इस फिल्म में अक्षय और टाइगर पहली बार एक साथ एक्शन करते हुए आप सभी को नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म का बजट करीब 350 करोड़ बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वैसे तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अकेले फिल्म के लीड स्टार्स अक्षय और टाइगर पर ही मेकर्स 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब ऐसे में सबके मन में एक सवाल आता है कि इतना बड़ा बजट अनाउंस करने की वजह कहीं शाहरुख खान तो नहीं? अब आपको लग रहा होगा कि इस बीच में शाहरुख खान कहां से आ गए। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एसआरके ने राजकुमार हिरानी के साथ अपनी फिल्म डंकी का ऐलान किया था। हालांकि इस फिल्म का बजट अभी बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि राजकुमार हिरानी इस पर काफी पैसा लगाने वाले हैं और ये फिल्म भी बड़े मियां छोटे मियां के साथ 2023 में रिलीज होने वाली है। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि एसआरके से इस क्लैश की वजह से इस मूवी का बजट बढ़ाया गया है। अक्षय कुमार और शाहरुख खान दोनों ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े कलाकार हैं, जिनके फैंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। साथ ही दोनों की आने वाली फिल्में भी बहुत बड़ी फिल्में हैं। ऐसे में ये बताना कि बड़े मियां छोटे मियां पार्ट 2 और डंकी में से कौन सी फिल्म बाजी मार जाएगी, ये काफी मुश्किल होगा। हालांकि दोनों के स्टोरी लाइन प्लॉट काफी अलग अलग है। जहां एक तरफ अक्षय की फिल्म एक्शन से भरी हुई है, वहीं दूसरी ओर शाहरुख सामाजिक मुद्दे पे फिल्म लेकर आ रहे हैं। इन दोनों में से कौन बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बताते चलें कि जैसा कि हमने ये कहा कि शाहरुख खान की डंकी और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां पार्ट 2 दोनों ही फिल्में एक दूसरे से काफी अलग है। बड़े मियां छोटे मियां 2 में आपको दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। आखिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो पावरफुल हीरोज इस फिल्म में लीड रोल जो कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें डंकी की, तो इसका डायरेक्शन राजकुमार हिरानी कर रहे हैं, जिन्हें आपने कई सारी सोशल इश्यूज पर मूवी बनाते हुए देखा भी है। और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि डंकी भी कुछ उसी तरह की फिल्म होने वाली है। तो हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस क्लैश में कौन बाजी मारेगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।